दिस वीडियो इज एन एसोसिएशन विद पे नियरबाय ऐप। पे नियरबाय ऐप के जरिए एक्स्ट्रा आमदनी का शटर खोले, ज्यादा आमदनी और व्यापार बढ़ाने के कई अवसर पाए। मेरे दुकानदार भाई, तुरंत डाउनलोड कीजिए पे नियरबाय ऐप। पंजाब में लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी की एक असिस्टेंट प्रोफेसर को निकाले जाने का मामला गर्मा गया है। असिस्टेंट प्रोफेसर का नाम गुरसंगप्रीत कौर है। उनका एक ऑडियो ट्विटर पर वायरल हुआ था। इसमें वो कथित रूप से भगवान राम के खिलाफ अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल करते हुए सुनाई दे रही हैं। लोगों ने इसका जमकर विरोध किया था। एलपीयू से ये तक मांग होने लगी कि गुरसंगप्रीत कौर को निकाला जाए। इसके बाद यूनिवर्सिटी ने मामले में खेद जताया और प्रोफेसर को बाहर का रास्ता भी दिखा दिया। पूरा मामला आपको बताते हैं। लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जालंधर जिले के फगवाड़ा में एक प्राइवेट कॉलेज है। दी लल्लन टॉप ने मामला जानने के लिए कॉलेज से बात की। उसके मुताबिक गुरसंगप्रीत कौर यहां के जर्नलिज्म डिपार्टमेंट में असिस्टेंट प्रोफेसर थी। अब हटा दी गई हैं। वजह, बीती 23 अप्रैल को वायरल हुआ उनका ऑडियो। इसमें गुरसंगप्रीत ने अंग्रेजी में कथित रूप से भगवान राम के बारे में अपमानजनक बात की थी। कहा था, रावण दिल से एक अच्छे व्यक्ति हैं, राम बिल्कुल भी अच्छे व्यक्ति नहीं है। मैं राम को एक चालाक धूर्त व्यक्ति मानती हूँ। उन्होंने सीता को फंसाने के लिए एक प्लान बनाया, सीता को मुश्किल में डाल दिया और उसका सारा आरोप रावण पर डाल दिया। हम कैसे कह सकते हैं कि कौन बुरा है और कौन अच्छा है? पूरी दुनिया राम की पूजा करती है, सारा प्लान उनका बनाया हुआ था। वो अच्छे व्यक्ति कैसे हो सकते हैं? इस तरह के तर्क देने की कोशिश मत करिए। ऑडियो वायरल होने के बाद तमाम यूजर्स ने इसके विरोध में अपनी प्रतिक्रियाएं दी। कहा कि हिंदू भगवानों का अपमान करना ट्रेंड बन गया है। लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी को बॉयकॉट करने की भी बात की गई। बॉयकॉट एलपीयू नाम से हैशटैग भी चला। इसके बाद यूनिवर्सिटी की तरफ से अपने ट्विटर और इंस्टाग्राम अकाउंट पर सफाई दी गई। लिखा गया, हम समझते हैं कि सोशल मीडिया पर जो वायरल वीडियो, जो कि असल में ऑडियो है, वो शेयर हुआ है, उसने कुछ लोगों को आहत किया है। वीडियो में हमारी एक फैकल्टी मेंबर को अपने निजी विचार रखते हुए सुना जा सकता है। हम ये स्पष्ट करना चाहते हैं कि उनके द्वारा व्यक्त विचार पूरी तरह उनके व्यक्तिगत हैं और यूनिवर्सिटी उनका समर्थन नहीं करती है। हम हमेशा एक सेकुलर यूनिवर्सिटी रहे हैं, जहां सभी धर्म और मान्यताओं के लोगों के साथ समान प्रेम और स्नेह के साथ बर्ताव किया जाता है। इसी स्टेटमेंट के आखिर में इस पूरी घटना पर खेद व्यक्त करते हुए यूनिवर्सिटी ने बताया कि प्रोफेसर गुरसंगप्रीत कौर को तत्काल प्रभाव से पदमुक्त कर दिया गया है। उधर सोशल मीडिया पर ट्रोल होने के बाद प्रोफेसर गुरसंगप्रीत कौर ने अपने फेसबुक और लिंक्डइन प्रोफाइल्स को डिलीट कर दिया है। चलते चलते आपको बता दें कि एलपीयू के चांसलर अशोक मित्तल हाल ही में पंजाब से आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद बने हैं। लोग इसे हाईलाइट करते हुए भी प्रोफेसर पर सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे थे। आपके लिए खबर लिखी हमारे साथी शिवेंद्र ने। मेरा नाम है दिव्यांशी। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।